प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिवसीय अनुष्ठान करेंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक विस्तृत अनुष्ठान है। कुछ विशिष्ट नियम निर्धारित है जिनका समारोह से पहले पालन करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यस्त कार्यक्रम और जिम्मेदारियों के बावजूद सभी रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करने का फैसला किया है। परिणाम स्वरूप उन्होंने 11 दिवसीय अनुष्ठान शुरू किया है। प्रधानमंत्री 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्रतिष्ठापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है क्योंकि भारत और विदेश से कई VVIP मेहमानों को समारोह के लिए निमंत्रण मिला है। मुख्य समारोह से एक सप्ताह पहले 16 जनवरी को वैदिक अनुष्ठान शुरू होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के समापन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा, आज पूरी दुनिया में अगर कोई देश है जो निवेश के लिए हर किसी का पसंदीदा स्थान है तो वो भारत और गुजरात है। उन्होंने आगे कहा, जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था तब भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जबकि अब ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। 2003 में गांधीनगर से की गई शुरुआत के परिणाम ने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। आज इस आयोजन से 2047 से पहले विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की एक नई शुरुआत हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि वाइब्रेंट गुजरात समिट ने विचारों और नवाचारों को एक मंच दिया है और निवेश को जमीन पर लाने का काम किया है। इससे न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिली है। वाइब्रेंट गुजरात के मॉडल को कई राज्यों ने स्वीकार किया है और उन्होंने औद्योगिक विकास के उसी मॉडल को अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी अप्रैल और मई के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटका में कई नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को ये संकेत देते हुए बताया कि पार्टी वर्तमान में 25 सीटों में से 11 पर मतदाताओं को नए उम्मीदवारों की पेशकश कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि कई मौजूदा सांसदों द्वारा ये चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा व्यक्त करने के बाद ये निर्णय लिया गया। हालांकि इसे संभावित सत्ता विरोधी लहर को दूर करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है, खासकर उस राज्यों में जहां पार्टी ने पिछले दो आम चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। 2014 में भाजपा ने 17 सीटें जीती और 2019 में ये आज बेहतर हो गई और कुल वोटों का 51% से अधिक हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पद पर अभूतपूर्व तीसरे कार्यकाल के लिए बोली लगाते हुए इस लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य रखा है, जो 2019 में 303 सीटें जीती और उसे 5 साल पहले की 282 सीटों से अधिक है। इस सप्ताह पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें रणनीतियों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रतिद्वंदी दलों के प्रभावशाली नेताओं को भर्ती भी शामिल थी। एक ऐसा रास्ता जिसे विपक्ष को भारी पड़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नवी मुंबई में दक्षिण मुंबई को न्यावा शिवा से जोड़ने वाले भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किया। ये पुल 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है, जो हमारे नागरिकों के लिए जीवन की सुगमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पुल यात्रा के समय को कम करने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, दैनिक आवागमन को आसान बनाने का वादा करता है। ये पुल आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और मुंबई और पुणे के बीच यात्रा के समय को कम करेगा। इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र को कई सौगात देने के साथ ही महाराष्ट्र में महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नमो महिला सशक्तिकरण अभियान का भी शुभारंभ किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अगले सप्ताह निर्माणाधीन राम मंदिर के अभिषेक पर अपनी पार्टी की स्थिति को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम को भाजपा की साजिश बताया और बताया कि इसमें भाग न लेने का निर्णय धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था। श्री खड़गे तीन वरिष्ठ नेताओं में से जिन्होंने निमंत्रण प्राप्त किया, अन्य पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी और पार्टी के लोकसभा प्रमुख अधीर रंजन चौधरी थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महत्वपूर्ण
अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का भी आह्वान किया, जैसे बेरोजगारी और जीवन यापन की लागत का संकट। आस्था रखने वाले लोग आज मंदिर जा सकते हैं, वो कल भी जा सकते हैं। श्री खड़गे ने राम मंदिर के संदर्भ में सार्वजनिक कथाओं की बाढ़ लाकर साजिश रचने के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए तर्क दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एक आउटरीच कार्यक्रम सीट बंटवारे और आगामी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए विपक्षी भारत गुट के नेता आज विस्तृत चर्चा करेंगे। संचार के प्रभारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बैठक सुबह 11:30 पर जूम पर बुलाई जाएगी। पीटीआई ने विकास से अवगत लोगों का हवाला देते हुए बताया कि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी शनिवार सुबह आभासी बैठक का हिस्सा नहीं होंगी क्योंकि वो पूर्व व्यस्तताओं में व्यस्त हैं। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन INDIA के बैनर तले लगभग 28 विपक्षी दलों के एकजुट होने के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके दृष्टिकोण को निर्धारित करने में चर्चा महत्वपूर्ण महत्व रखती है। बैठक में राघव चड्ढा, आतिशी संदीप पाठक और सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी शुक्रवार को 6 MLC सीटों में से कम 4 के लिए नामों को अंतिम रूप देने और कुछ और विधायकों को शामिल करने पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। सोनिया गांधी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री उनके तेलंगाना की एक सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि राज्य कांग्रेस ने अपने सर्वसम्मत प्रस्ताव में अनुरोध किया है। विधायकों को कोटे के तहत 2 MLC सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जमा करने की आखिरी तारीख 18 जनवरी है। रेवंत के शनिवार को पार्टी नेतृत्व के साथ 2 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने की संभावना है। क्योंकि CM के तुरंत हैदराबाद लौटने की संभावना नहीं थी, इसलिए वो तेलंगाना की AICC प्रभारी दीपा दास मुंशी के माध्यम से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को विधायक कोटे के तहत 2 MLC उम्मीदवारों के नामों की सूचना देंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राम मंदिर का अभिषेक 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के लिए कई राजनीतिक नेताओं, मशहूर हस्तियों और व्यापारिक हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को NIC बात करते हुए कहा था कि भगवान राम भारत की पहचान है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने पर अभिनेता अरुण गोविल ने शुक्रवार को कार्यक्रम देखने पर खुशी जताई। देश भर के राम भक्तों ने अयोध्या का रास्ता अपना लिया है क्योंकि उनका वनवास समाप्त होने वाला है। ऐसे श्रद्धालुओं का एक जत्था अमृतसर से जोरदार धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच राम जन्मभूमि के लिए रवाना हुआ। कैलकुट पुलिस शुक्रवार को बेंगलुरु के एक स्टार्टअप कंपनी की CEO सूचना सेठ को सर्विस अपार्टमेंट में ले गई ताकि वो अपराध स्थल को फिर से दोहरा सके, जिन्हें गोवा के एक होटल में अपने 4 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, आरोपी ने पुलिस को वो कटर दिखाया जिसे उसने अपनी कलाई काटी थी। उसने ये भी दिखाया कि कैसे उसने बच्चे के एक शव को एक बैग में पैक किया था, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रही है कि उसने अपने बेटे की हत्या की है। सेठ पुलिस टीम के साथ अपार्टमेंट में जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन कैलकुट पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर परेश नायक उसे मनाने में कामयाब रहे और उसे एक पुलिस वैन में घटनास्थल पर ले गए। सूचना सेठ के रूप में पहचाने जाने वाली आरोपी को पहले गोवा के एक होटल में अपने 4 वर्षीय बेटे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भारतीय SARS कोविड 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के आंकड़ों से पता चला है कि दक्षिणी राज्य कर्नाटका में देश भर में JN1 मामलों की सबसे अधिक संख्या 214 दर्ज की गई है। JN1 नामक नए सब वेरियंट के उद्भव के बाद हाल ही में दुनिया भर में COVID-19 मामलों में वृद्धि देखी गई है। शुक्रवार को भारत में इसके मामले 1000 का आंकड़ा पार कर गए। 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 1104 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश जो 10 दिनों से भी कम समय में पवित्र अयोध्या में भगवान राम मंदिर के भव्य और बहुप्रतीक्षित उद्घाटन का गवाह बनने के लिए तैयार है, उसने 7 मामलों के साथ खुद को सूची में शामिल कर लिया है। तेलंगाना और राजस्थान में से प्रत्येक में 32 JN1 मामले दर्ज किए गए, जबकि छत्तीसगढ़ में 25, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 16 ऐसे मामले सामने आए हैं।